हाय दोस्तों, आपको ये टेक में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन को कुछ इस तरीके का अट्रैक्टिव तरीके का बना सकते हैं, लगा सकते हैं, जो दोस्तों बॉर्डर में चल रहा है, जो कि अमेजिंग तरीके का लग रहा है। अगर बैकग्राउंड में वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर या फिर अपना फोटो लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरीके का लाइव वॉलपेपर या फिर कुछ इस तरीके का बॉर्डर में लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को वॉल पर सेलेक्ट करना भी न भूलिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने फोन के होम स्क्रीन पर, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, मैं फोन के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है इज लाइट प्रो, इसके नीचे दिखाई दे रहा है अनेबल इज लाइटिंग, यहाँ दिखाई डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, इस पर क्लिक करके इसे अनेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाइए। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है चूज इज कलर, यहाँ दिखाई दे रहा है अगर आप दूसरा यहाँ चाहते हैं कुछ इस तरीके का ले सकते हैं। अगर आप बॉर्डर में कुछ इस तरीके का चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का बॉर्डर कर सकते हैं, या फिर कुछ दूसरा चाहते तो कुछ इस तरीके का चाहते कुछ इस तरीके का बॉर्डर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो देखने बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर और चाहते तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करना हो तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देंगे, ये चीज़ आपका सेट हो जाएगा। यहाँ से मैं सिंपल सा बैक हो जाता हूँ। यहाँ देखिए बैकग्राउंड इमेज दिखाई दे रहा है। अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे कुछ इस तरीके का लगाना हो या फिर कुछ इस तरीके का लगाना हो, जिस तरीके का बैकग्राउंड में इमेज लगाना हो उस तरीके का बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके का लगाना चाहते हैं, सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ जैसे क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का आप इमेज लगा सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपल सा बैक हो जाता हूँ। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है चूज फ्रॉम गैलरी, अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने गैलरी पर क्लिक कर लीजिए। गैलरी से एक पिक्चर्स ले लीजिए, इस तरीके से आप भी एक पिक्चर्स ले लीजिए। उसके बाद पिक्चर्स को अच्छे से क्रॉप करना तो क्रॉप कर लीजिए। यहाँ पे डन पर क्लिक कर दीजिए। डन पर जैसे क्लिक कर देंगे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का आप अपना फोटो लगा सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपल सा बैक हो जाता हूँ। यहाँ दिखाई दे एनिमेशन स्टाइल दिखाई दे रहा है। अगर आप एंटी में चाहते तो एंटी में कर सकते, कुछ इस तरीके का आपका चलेगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कुछ इस तरीके का चले, कुछ इस तरीके का चलेगा। यहाँ देखिए बॉर्डर यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ देखिए एनिमेशन स्पीड अगर चाहते हैं ज्यादा करना, एनिमेशन स्पीड ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसके साइज को घटाना चाहते हैं घटा सकते हैं। यहाँ देखिए इंक्रीज करना इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन होने पर करना चाहते हैं कुछ इस तरीके का बॉर्डर कर सकते हैं। यहाँ बॉटम में करना चाहते हैं रेडियस कुछ इस तरीके का, बॉटम का रेडियस कुछ इस तरीके का चेंज कर सकते हैं। टॉप को करना और टॉप का भी इसी तरीके से आप कर सकते, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कस्टमाइज आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए अनेबल नॉच, यहाँ पे अनेबल नॉच पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाया विड्थ को चाहते हैं, विड्थ को कुछ बढ़ाना चाहिए, यहाँ कुछ इस तरीके चाहते हैं विड्थ, तो यहाँ पे नॉच का विड्थ कुछ इस तरीके का कर सकते, देख सकते हैं ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इस तरीके का हाइट को चाहते हैं तो हाइट को यहाँ पे इंक्रीज करना इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट डिक्रीज करना डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस को इस तरीके से रेडियस बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे घटाना चाहे घटा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बॉटम का चाहे तो बॉटम का भी ये रेडियस यहाँ पे कुछ इस तरीके कर सकते हैं, यहाँ पे देखना देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रेडियस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके की इसको भी नॉच को कुछ इस तरीके कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहते हैं कुछ इस तरीके का आप चाहते हैं लगाना तो कुछ इस तरीके का लगा सकते, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लगा सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का लगाना हो या फिर कुछ इस तरीके के चाहते हैं ओम टाइप का लगाना चाहते हैं ओम टाइप का लगा सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का लगा इस तरीके का लगा सकते हैं, या वॉलपेपर लगाना तो वॉलपेपर लगा सकते हैं, देख सकते हैं वॉलपेपर लगाना तो वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, या मैजिक बॉर्डर लगाना मैजिक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। मैजिक बॉर्डर मतलब कुछ इस तरीके जिस तरीके का लगाना उस तरीके लगा सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके का लगाना तो इस तरीके का लगा, लेकिन इसके लिए क्या करो डाउनलोड होगा आपका, देख सकते हैं डाउनलोड हो जाने कुछ इस तरीके का आपका लगेगा। सिंपल सा आपको करना क्या सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे होम स्क्रीन दिख रहा है, होम स्क्रीन है लॉक स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद डन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, आ जाता हूँ अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन का देखिए लुक जो है दोस्तों एक नया लुक में चेंज हो चुका है, जो कि अमेजिंग अट्रैक्टिव तरीके का लग रहा है। इसी तरीके से आप भी अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दो, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।